झालावाड़ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संगठन राष्ट्रीय किसान परिषद के तत्वाधन में राष्ट्रीय किसान परिषद के जिला अध्यक्ष अमन तिवारी के नेतृत्व में जिले के दर्जनों किसानों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर बिजली के बिलों को माफ करने की मांग की। जिला अध्यक्ष अमन तिवारी ने बताया कि जिले में कई किसानों के विद्युत बिलों में अनियमितता राशि के बिजली के बिल देखकर विद्युत विभाग द्वारा खुले रूप में किसानों को लूटने की कार्य में लगाए, जबकि कोविड-19 की महामारी के दौरान भारत सरकार के राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन में गरीबों व किसानों के पास काम धंधा ठप होने से उनकी स्थिति गंभीर हो गई। ऐसे में बिल बिजली का भारी भरकाम बिल चुकाना मुश्किल हो रहा है। गरीबों व किसानों की हालात देखते हुए बिजली के बिल माफ किए जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय किसान परिषद के जिला मीडिया प्रभारी दशरथ, तहसील अध्यक्ष सुरेश डांगी, ग्राम अध्यक्ष पदम सिंह, हेमंत प्रजापति, राष्ट्रीय बजरंग दल के पंचायत अध्यक्ष पवन सेन, राजू डांगी सहित के कार्यकर्ता शामिल थे। झालावाड़ से आशिक मंसूरी की रिपोर्ट।